गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार, सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और ई लेक्चर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक इक्वेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार, माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक इक्वेशन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर के देखें और खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। हमारा हेडिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक इक्वेशन, इसका हिंदी होता है नर्नर समीकरण से साम्य स्थिरांक। इसको समझने के लिए हमें कोई गैल्वेनिक सेल लेना होगा। सपोज हमने जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल ले रखा है। जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, टू हाफ सेल होता है। एक हाफ सेल को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और अदर हाफ सेल को सेकेंड राइट साइड में रखते हैं। जो फर्स्ट हाफ सेल है इसमें हम ZnSO4 के एक्वा सोल्यूशन में जिंक रॉड को डुबो देते हैं और जो सेकेंड हाफ सेल होता है उसमें CuSO4 के एक्वा सोल्यूशन में कॉपर रॉड को डुबो देते हैं। दोनों रॉड को कंडक्टर वायर से वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा ये दोनों हाफ सेल मिलके एक कंप्लीट सेल हो जाता है और ये जो वोल्टमीटर है उस सेल का सेल पोटेंशियल का रीडिंग देता है ये वोल्टमीटर। जब हम कुछ टाइम वेट करते हैं तो कुछ समय बीतने पर हम क्या देखते हैं कि जो जिंक रड है इससे जिंक एटम Zn2+ में Zn2+ आयन में कन्वर्ट होकर के टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर वायर से होकर के अदर कंटेनर में चला जाता है। अब Zn2+ में कन्वर्ट होकर के जब सोल्यूशन में जाता है तो हमारा इस सोल्यूशन में Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, क्योंकि इसके जितने भी जिंक एटम होते हैं कंटिन्यू Zn2+ में कन्वर्ट होकर के इस सोल्यूशन में डिजल्व होते जाते हैं, जिसके वजह से ये रड जो है ये डिजल्व होते चला जाता है इस सोल्यूशन में। और Zn2+ का नंबर इंक्रीज करने की वजह से इस सोल्यूशन में हमारा इस सोल्यूशन में Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि जो अदर कंटेनर है, जो अदर हाफ सेल है, इस सेल में सोल्यूशन से Cu2+ आयन निकल करके इलेक्ट्रॉन गेन करके जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर वायर से आता है उस इलेक्ट्रॉन को ये सोल्यूशन में प्रेजेंट बहुत सारे Cu2+ आयन जो होते हैं वो कंटिन्यू इसको गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉपर में कन्वर्ट होकर के इस रड पर डिपॉजिट होते हैं, जिसके वजह से इस सोल्यूशन से Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होकर के इस कॉपर रड पर डिपॉजिट होने की वजह से इस सोल्यूशन में Cu2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू डिक्रीज करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी चेंज कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी चेंज कर रहा है। इसमें क्या है कि Zn2+ डिजल्व हो रहा है इसमें, जिसके चलते Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इसमें सोल्यूशन से Cu2+ निकल के इस रड पर जा रहा है, जिसके वजह से इसमें कॉन्सेंट्रेशन Cu2+ का डिक्रीज कर रहा है। अब हम सेम टाइम वोल्टमीटर में रीडिंग जब देखेंगे तो ये वोल्टमीटर का रीडिंग कंटिन्यू डिक्रीज करेगा। मान लीजिए कि इनिशियली में यहाँ है तो जितना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज करते चला जाएगा, इसका डिक्रीज करते चला जाएगा, उतना ही ये वोल्टेज कंटिन्यू डिक्रीज होते चला जाएगा। यहाँ से यहाँ इस तरह से डिक्रीज होते चला जाएगा। लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पर ये Zn2+ में कन्वर्ट होना स्टॉप हो जाता है और ये रड डिजल्व होना स्टॉप हो जाता है, जिससे जिस सोल्यूशन में Zn2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था वो भी स्टॉप हो जाता है। और इस
हाफ सेल में भी यही प्रोसेस होता है। एक पार्टिकुलर टाइम पर जो CO2 प्लस निकल निकल करके इस रड पर जा रहा था, तो इस सोल्यूशन से CO2 प्लस का निकल करके इस रड पर जाना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिससे इस हाफ सेल में CuSO4 सोल्यूशन में जो CO2 प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा था वो भी स्टॉप हो जाता है। अब ना इस पर्टिकुलर टाइम पर इस सेल में ZnSO4 सोल्यूशन में का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ना इस सेल में CuSO4 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ही सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, यानी कि ये भी साम्य अवस्था में है और ये भी सोल्यूशन साम्य अवस्था में है। जब तक ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तब तक बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जब तक CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं। जो ही कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना स्टॉप होगा, इसमें CO2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा, इसमें Zn2 प्लस आयन का सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि दोनों जो हाफ सेल में जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना स्टॉप हो जाएगा, तो बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ये भी सोल्यूशन है और इक्विलिब्रियम स्टेट में ये भी सोल्यूशन है। सेम उसी टाइम जब हम इस वोल्टमीटर में सेल का सेल पोटेंशियल देखते हैं तो जो हमारा डिक्रीजिंग होते चला जाता है, जब एक स्टॉप हो जाता है इस दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना, तब हमारा ये वोल्टमीटर जीरो वोल्टेज देता है। यहां पर जो वोल्टेज है वो जीरो देता है, जीरो वोल्टेज देता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जब हमारा दोनों हाफ सेल में इक्विलिब्रियम स्टेट में सोल्यूशन होता है तो एट इक्विलिब्रियम जो इस सेल का सेल पोटेंशियल जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है वो कितना होता है, जीरो। तो हम लोग सेल के सेल पोटेंशियल को इस सेल से इंडिकेट करते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में इसका रीडिंग क्या बताएगा, जीरो। तो हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल जीरो। अब जितना भी बात हम समझाए हैं उसी को यहां तो लिखे हैं कि एज ए टाइम पासेज अगर कुछ समय बीतने दिया जाए तो इस हाफ सेल में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि जो Zn2 प्लस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा इस सोल्यूशन में Zn2 प्लस का नंबर बढ़ने की वजह से Zn2 प्लस आयन इंक्रीज करता है। अब इस कंटेनर में क्या देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस आयन कीप ऑन डिक्रीजिंग, जो ये CO2 प्लस इस सोल्यूशन से निकल करके इस रड पर जा रहा है इसकी वजह से इसमें CO2 प्लस आयन का नंबर डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इस सोल्यूशन में CO2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो CO2 प्लस का आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करता है। इसमें ये जो हाफ सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये जो हाफ सेल हुआ वो एनोड हुआ और इस हाफ सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये जो हाफ सेल हुआ हमारा कैथोड हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि एट द सेम टाइम जब हमारा इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है उस टाइम पर, यानी कि Zn2 प्लस आयन इंक्रीजिंग और CO2 प्लस आयन डिक्रीजिंग, क्या तो कॉन्सेंट्रेशन, तो उस टाइम पर एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन वोल्टमीटर कीप ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि जो वोल्टेज है इस वोल्टमीटर में जब हम रीडिंग करते हैं तो कंटिन्यू क्या होता है, ये डिक्रीज होते चला जाता है, जितना ही इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है Zn2 प्लस आयन का इस सोल्यूशन में और जितना ही इस सोल्यूशन में CO2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है इसको इस पर जाने की वजह से,
हमारा इस वोल्टमीटर में वोल्टेज भी क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन एंड Cu2+ आयन। इसमें जो Zn2+ आयन है, इसमें जो Cu2+ आयन है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, देयर इज नो चेंज, चेंज नहीं होता है आफ्टर सम टाइम्स। हमने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि जो ये Zn2+ का Zn2+ आयन इस सोल्यूशन में इंक्रीज कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉप हो जाएगा, और जो CO2 प्लस आयन इस सोल्यूशन से निकल करके इस रड पर जा रहा है, जिसके वजह से इस सोल्यूशन में CO2 प्लस आयन कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है, तो वो भी डिक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा। तो यही कह रहा है, और उस समय हमारा क्या होगा कि ना इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ना उसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसका इसमें डिजल्व होना स्टॉप हो जाएगा, इसमें सोल्यूशन से उस पर जाना स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा था वो चेंजिंग स्टॉप हो जाएगा। तो कह रहा है कि Zn2+ आयन यानी कि इसमें Zn2+ आयन और CO2+ आयन यानी कि इसमें जो CO2+ आयन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है नो चेंज, चेंज नहीं करता है, ना इसमें करेगा ना इसमें करेगा। एट द सेम टाइम, उसी समय जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता है, यहाँ पर ये भी लिखे हैं कि दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड, दैट इज इक्विलिब्रियम इज अटेंड, मतलब कि जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि दोनों सोल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम में है। अब कह रहा है कि एट द सेम टाइम, उसी समय जब मैंने इक्विलिब्रियम में दोनों सोल्यूशन आ गया है, उस समय एट द सेम टाइम मतलब उस समय वोल्टमीटर गिव जीरो रीडिंग। उस समय जब हम लोग इस वोल्टमीटर पर रीडिंग देखते हैं तो हमारा वोल्टमीटर क्या देता है, जीरो रीडिंग देता है। जीरो रीडिंग दैट इज एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल ऑफ जीरो। तो ये जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है किसका देता है, सेल पोटेंशियल का देता है। ये जीरो कब बता रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है दोनों सोल्यूशन, तो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल मतलब ई ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इसको बोलते हैं, हमारा जीरो इस वोल्टमीटर में रीडिंग बताएगा। तो यही वर लिख दिया है कि ई ऑफ सेल मतलब कि सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, यहां लिख ही दिए हैं कि क्या है ई ऑफ सेल, क्या है तो सेल पोटेंशियल ऑफ सेल है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। इसका हिंदी होता है साम स्थिरांक और सेल के मानक सेल विभव में संबंध। इसके लिए हम एक सेल रिएक्शन लेते हैं, तो लेट Zn सॉलिड प्लस CO2 प्लस एक्वा सोल्यूशन, रिएक्शन का साइन Zn2 प्लस एक्वा सोल्यूशन प्लस CO सॉलिड इज ए सेल रिएक्शन। हमने एक सेल रिएक्शन ले लिया, हमको पता है कि जो लेफ्ट साइड में रिएक्शन के होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट साइड में होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। हम लोग नर्नस्ट इक्वेशन से भी एक फॉर्मूला जानते हैं, तो वी नो दैट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन, वी नो दैट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन, हम लोग का फॉर्मूला था कि ई ऑफ सेल इक्वल ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और जो सेल रिएक्शन के राइट साइड में जो आयन होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर में लिखा जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन, और जो सेल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में जो आयन होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को नीचे में लिखा जाता है, CO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस आयन। एक और चीज हम लोग अभी अभी पढ़े कि एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल सेल इक्वल जीरो, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देखे अभी से जस्ट पीछे टॉपिक में, पिछला टॉपिक में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन, तो जानते करते हैं इतना होता है, एंड हम एक चीज़ और जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम
एट इक्ली बेरियम सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल जीरो, जो कि हम लोग जस्ट इस टॉपिक के पहले वाले टॉपिक में पूरा एक्सपेरिमेंट से इसको देखे कि जब हम लोग का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन में, उस समय जो सेल का सेल पोटेंशियल वोल्टमीटर में जो रीडिंग हम लोग देखते हैं वो जीरो हम लोग देखते हैं। तो फ्रॉम एक एक्सपेरिमेंट ये चीज़ हमको पता है कि एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल सेल इक्वल जीरो। अब हम इस सेल पोटेंशियल ऑफ सेल मतलब दैट इज ई ऑफ सेल का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि ई ऑफ सेल जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ई सेल ई ऑफ सेल इक्वल जीरो, हम यहाँ ई ऑफ सेल का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम जीरो यहाँ पुट कर रहे हैं, सो यहाँ जीरो हो गया इक्वल ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब देखिए हम लोग 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं कि केसी जो होता है रेशियो ऑफ, ये रेशियो हो गया रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल क्या होता है, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम लोग इसको हम लोग कहते हैं केसी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें जेडन टू प्लस और सी यू है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को हम इसके प्लेस पर रखेंगे। तो सिर्फ हम इसमें से जेडन टू प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे, क्योंकि हमारा जो सी यू जो सॉलिड है किसी भी सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन वन होता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। सॉलिड होने की वजह से प्रोडक्ट तो दोनों है, बट हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लेंगे, सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन वन होता है, तो हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को प्रोडक्ट की जगह पर रख दिया। अब रिएक्टेंट के प्लेस पर हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इसमें भी वही चीज़ है, दोनों रिएक्टेंट हुआ बट हमारे सॉलिड है, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन वन होता है, तो इसको नहीं लेंगे सिर्फ इसको लेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पर सी यू टू प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी यू टू प्लस, ये रिएक्टेंट के प्लेस पर हो गया। यानी कि हम इसको भी केसी कर सकते हैं, और इसके प्लेस पर हम इसको रखें, इसके प्लेस पर इसको रखें अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, तो हम इसको भी केसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको केसी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्रॉम इक्विलिब्रियम यहाँ से मिल रहा है कि जो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेडन टू प्लस टू द रेशियो टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी यू टू प्लस, तो इसको हम लोग केसी लिख सकते हैं। तो हम इसके प्लेस पर केसी यूज करेंगे, केसी हो गया। अब हम पूरे टर्म को अगर हम इक्वल किधर लाएं तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये तो प्लस में रह जाएगा, इसको हम यहीं रहने देते हैं। ये जो माइनस वाला टर्म है अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएं तो ये पूरा टर्म प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं और में ई नॉट ऑफ सेल इक्वल 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और यही हमारा रिलेशन हो गया, क्योंकि रिलेशन किसके बिटवीन बताना है, तो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, और ई नॉट ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल है। तो ये हमारा केसी और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल के बिटवीन रिलेशन का एक फार्मूला हो गया। फिर में हम लिख दिया यहाँ पर कि केसी क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका हिंदी सामी स्थिरांक होता है, ई नॉट ऑफ सेल क्या है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल यानी कि मानक सेल विभव, और एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इन सेल रिएक्शन। जो ये सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, सपोज जैसे जेडन जेडन टू प्लस में कैसे कन्वर्ट हुआ टू इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, या फिर सी यू टू प्लस
सीयू में कैसे कन्वर्ट हुआ है, टू इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो दोनों में से कोई एक लेंगे, या तो गेन इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर लॉस इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस तरीका से यह जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस इन सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया में गृहित या तख्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द सेल रिएक्शन। इसके अंदर सेल अभिक्रिया से साम स्थिरांक की गणना करें। हमारा सेल रिएक्शन दिया हुआ है Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इक्वा सोल्यूशन रिएक्शन, Cu2 प्लस इक्वा सोल्यूशन प्लस 2Ag सॉलिड गिवन दिया गया है। E नॉट ऑफ सेल इक्वल प्लस 0.46 वोल्ट एंड एंटी लॉग 15.6 इक्वल 3.92 इंटू 10^50। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सेल रिएक्शन से देखेंगे कि हमारा N का वैल्यू कितना है। तो हमने बताया कि जो N होता है सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Cu Cu2+ में कैसे कन्वर्ट हुआ है, टू इलेक्ट्रॉन लूज करके। 2Ag प्लस 2Ag में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है सेल रिएक्शन में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। सो हमारा N का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट E नॉट ऑफ सेल इक्वल E नॉट ऑफ सेल इक्वल 0.0591 अपॉन N log Kc। E नॉट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है E नॉट ऑफ सेल इक्वल 0.46, तो यहां हो जाएगा 0.0591 अपॉन n, n का भी वैल्यू 2 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ सेल रिएक्शन से इसको जान चुके हैं कि n का वैल्यू 2 होता है। यह हो गया log Kc। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो टर्म है डिवाइड में चला जाएगा, सिर्फ log Kc बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं log Kc इक्वल 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 15.6। इसके कैलकुलेशन करने पर इसका वैल्यू आएगा 15.6। जब हम लॉग को इक्वल को राइट साइड में ले जाएंगे तो फिर हमारा लॉग एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां किसी इक्वल एंटी लॉग 15.6। अब हम एंटी लॉग 15.6 का वैल्यू देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, तो हमारा जब ये वैल्यू दिया है तो ही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं किसी इक्वल इसका वैल्यू कितना है 3.92। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.92 इंटू 10^15। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो फिर हम लोगों को लॉग के टेबल से और एंटी लॉग के जो टेबल होता है एंटी लॉग के टेबल से हमको ये वैल्यू देखना पड़ता। तो लॉग और एंटी लॉग के वैल्यू को देखना हम अलग से बता देंगे। अभी फिलहाल में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट हमने इसका आंसर लिख दिया। तो हो गया हमारा आंसर।
आप लोग इसको कॉपी कर लें। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया से साम्य स्थिरांक की गणना करें। यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है Fe2+ प्लस इक्वा सोल्यूशन प्लस सी फोर प्लस इक्वा सोल्यूशन Fe3+ प्लस इक्वा सोल्यूशन और C3+ प्लस इक्वा सोल्यूशन। यहाँ जो है Fe2+ प्लस Fe3+ प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट होगा, तो ये जो है आयरन इलेक्ट्रोड जो हुआ एनोड हुआ और C4+ प्लस C3+ प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके हो रहा है, तो हमारा जो C इलेक्ट्रोड हुआ वो हमारा कैथोड हुआ। अब हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि Fe2+ प्लस Fe3+ प्लस में कन्वर्ट हो रहा है वन इलेक्ट्रॉन लूज करके, C4 प्लस C3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है वन इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो हमारा n का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, क्योंकि जो सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है चाहे वो गेन हो या फिर लॉस हो वही n होता है, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल वन। अब हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन करना है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट देखिए जब हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना होगा तो जो उसका फार्मूला है उस फार्मूला में सबसे पहले जानना होगा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल कितना है। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल फाइंड करना होगा, तो हमारा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू से भी जान सकते हैं कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जिस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है वो कैथोड होता है और जिस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है वो एनोड होता है। इसमें जो है 1.44 वैल्यू ज़्यादा है 0.77 वोल्ट से, तो हमारा जो ये हुआ कैथोड हुआ और ये जो हुआ एनोड हुआ, तो हम कैथोड के प्लेस पर लिखेंगे E नॉट ऑफ, ये हमारा ज़्यादा वैल्यू है इस इलेक्ट्रोड का इसलिए हमारा कैथोड हुआ, C4 प्लस इलेक्ट्रोड C3 प्लस माइनस और एनोड के प्लेस पर हम लिखेंगे इसका वैल्यू कम है इस इलेक्ट्रोड का इसलिए एनोड हुआ Fe3 प्लस इलेक्ट्रोड Fe2 प्लस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू दिया हुआ 1.44 और इसका वैल्यू है 0.77 वोल्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 0.67 वोल्ट, 67 वोल्ट। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो लिखेंगे वी नो दैट E नॉट ऑफ सेल इक्वल, E नॉट ऑफ सेल इक्वल हमारा फॉर्मूला होता है 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। E नॉट ऑफ सेल हमको मिल चुका है, E नॉट ऑफ सेल कितना आया कैलकुलेट करने पर, तो 0.67 वोल्ट, यहाँ लिखेंगे 0.67 और 0.0591
अपॉन एन का वैल्यू जो है वन है, इस सेल रिएक्शन से वन हो गया लॉग के सी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये जो है टर्न डिवाइड में चला जाएगा, सिर्फ लॉग के सी रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लॉग के सी इक्वल 0.67 इंटू वन अपॉन 0.0591। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा, इसको कैलकुलेशन करने पर आएगा 11.336। तो लॉग के सी इक्वल हम लिख सकते हैं 11.336। हमको के सी फाइंड करने हैं तो लॉग को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो फिर वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम के सी इक्वल लिख सकते हैं एंटी लॉग 11.336 और इस एंटी लॉग 11.336 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है ये वैल्यू एंटी लॉग 11.336 का वैल्यू 2.168 इंटू 10^11। क्या लिख सकते हैं 2.168 इंटू 10^11 आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया होता एंटी लॉग के तो फिर एंटी लॉग के टेबल से हम लोग को वैल्यू देखना पड़ता है, और एंटी लॉग के टेबल से वैल्यू देखना और लॉग के टेबल से वैल्यू देखना हम अलग से इस पर वीडियो बना देंगे, इसको हम सिखा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको लाइक करने से, आपको कमेंट करने से हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।